शैगी बॉय के चैनल में आपका स्वागत है गाइस। शैगी बॉय इन द हाउस। तो कैसे हो दोस्तों, आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ कुछ नया। और आज हम लोग करने वाले हैं वो मैं बताऊंगा नहीं सीधा, तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके सो गाइस, आज जो मैंने लाया है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और देखो ये है, ये तो यहाँ पे लिखा है प्लीज़ डू नॉट एक्सेप्ट टैम्पर्ड पैकेट। और ये तो मुझे ऑलरेडी फटा हुआ मिला है। टैम्पर्ड मतलब फटा हुआ, ठीक है। तो अभी ये तो मुझे ऑलरेडी फटा हुआ मिला है। अरे नहीं रे, मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, ये मैंने ऑलरेडी फाड़ा हुआ था। तो अभी हम लोग इसको अनपैक करने वाले हैं। जल्दी जल्दी गेस करो कि मैंने क्या लाया है। अभी हम लोग इसको अनपैक करेंगे, अनपैक मतलब अनबॉक्सिंग करेंगे इसकी। ओके तो ये है अमेज़ॉन की तरफ से एक चीज़, कुछ तो मैंने मंगाया था। ओके तो अभी हम लोग इसको अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं तो। इसको यहाँ पर रख देता हूँ, साइड में रख देता हूँ। तो ये है कुछ इस तरह से। एक्चुअली मैंने इसको ऑलरेडी खोल के चेक किया क्योंकि मुझे चेक करना था कि ये प्रॉपरली आया है कि नहीं। तो इसका पैकिंग कुछ ऐसा है दोस्तों, और यहाँ पर सील होता है। ओके तो इसको फाड़ के हम लोग इसको खोलते हैं। तो हम लोग इसको खोलने वाले हैं। ओ भाई साहब, ये क्या चीज़ मंगाई है भाई ने। अरे ये क्या चीज़ मंगाई है, अरे क्या लेके आया भाई तू, शैगी पागल हो गया क्या? ओ या गाइस, आज शैगी ने मंगाया है एक ईजी वन का 5K वाईफाई कैमरा। ये सब आपको उल्टा दिख रहा होगा तो मैं दिखा दूंगा प्रॉपरली आपको, सीधा करके वीडियो मिरर कर दूंगा। ओके तो देखते हैं इसको खोल के। और आज मैं इसकी डिटेल्ड रिव्यू देने वाला हूँ। पहली बार मैंने कोई एक्शन कैमरा मंगाया है यार, ये बहुत ही सुपर, इसका पैकिंग बहुत ही अच्छा है। तो इसमें लिखा है देखो 30 मीटर एक मिनट आ। ओके सो कैमरा सेट हो चुका है और देख सकते हो आप लोग इसमें दिख रहा है क्लियरली 30 मीटर वाटरप्रूफ है ये कैमरा। मतलब इसको केस लगा के नीचे डालना है, नहीं तो ये भाई हो गया 30 सेकेंड में काम 25 हो जाएगा इसका। 5K रिजोल्यूशन है, 5K 30 FPS है, 4K 60 FPS का है ब्रो। ऑसम 48 मेगापिक्सल का कैमरा है ब्रो, 48 मेगापिक्सल। मेरा Redmi Note 7 Pro था मेरे पास, उसका 48 मेगापिक्सल था। तो अभी इसमें मिल गया मुझको। और इसकी बैटरी लाइफ जो है 110 मिनट्स to 130 मिनट्स तक की बैटरी लाइफ है इसमें। ओके सो 110 मिनट्स मतलब 60 मिनट मतलब एक घंटा, और 120 मिनट मतलब 2 घंटे, मतलब मैक्सिमम 2 घंटे तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं 130 के, और मिनिमम 110 और मैक्सिमम 130, मतलब एवरेज पकड़ लो 120 का है, दो घंटे हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक बैटरी को। ओके ओ अरे भाई, बैग तो देखो क्या प्रीमियम बैग दिया है, हैंडलिंग भी है एक नंबर है। Easy वन, नाइस, मेकिंग लाइफ ईजी, ईजी IZ है ईजी नाउ, सो नाइस, ऑसम। इसको हम लोग देखते हैं। और इसकी प्राइस MRP बॉक्स पे लिखी है 17,000, बट ये मुझको कितने में मिला होगा आप गेस करो, कमेंट में डालो। हाँ गोप्रो नाही रे, एवढी नाही आपली। इजी वनचा कॅमेरा घेतला आहे तर त्याचं अनबॉक्सिंग करतोय। अच्छा तो इसमें आप देख सकते हो, हाँ ये मेरा दोस्त है, आजा। ये बहुत अच्छा गिटार बजाता है, सिंगिंग करता है। और तेरा नाम क्या है? सांकी। तो ये सिंगिंग वगैरह करते रहते हैं। हाँ चालेल। तो अभी हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या क्या है। बहुत टाइम पास हो गया, चलो अभी वीडियो करते हैं। तो अभी इसको खोलते हैं हम लोग, क्या है देखते हैं इसमें। पता है हिला मला धरावे लागते।
कैमरा मैंने ले लिया है हाथ में, अभी देखते हैं इसको खोल के क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, तो इसको देखता हूँ खोल के क्या है इसके अंदर। अरे एक हाथ से खोलना पड़ेगा मेरे को। ओके, तो इसका चेन जो है वो ऑल साइड से खुलता है। ओ भाई साहब, इसमें देखो क्या क्या पसारा दिया है। वाओ, दिस इज़ द कैमरा गाइस, ये कैमरा है। अरे थम जरा। ओके, तो मेरे कैमरा में फ्रेम दिख रही थी मेरे कवर की, तो उसको मैंने निकाल दिया। अभी प्रॉपर दिखेगी वीडियो। तो ये है गाइस अपना कैमरा इजी वन का 5K एक्शन वाईफाई कैमरा है। इसमें वाईफाई यूज़ कर सकते हैं हम लोग, और पीछे का स्क्रीन ऐसा दिखता है। तो इसको हम लोग खोलेंगे, तो यहाँ पे लिखा है पुल अप टू ओपन। तो इसको हम लोग, ये कुछ ऐसे खुलता है, ये ऐसे और ये ऐसे खुलता है और ये ऐसे खुल गया। इसको लेते हैं हाथ में। ओके गाइस, इसका वो नहीं आ रहा है, तो अभी अरे मेरे को थोड़ा फोकस करके चाहिए था। ओके, तो ये ऐसा दिखता है गाइस, पीछे का स्क्रीन ऐसा है और ये आगे का स्क्रीन है। तो इसमें डुअल स्क्रीन है गाइस, और ये 48 मेगापिक्सल का कैमरा है। ओके, अभी इसको खोलेंगे बाद में थोड़ा सा। नहीं, पहले इसके फीचर्स देखते हैं। यहाँ पे साउंड स्पीकर है, यहाँ पे अप एरो डाउन एरो है, यहाँ पे ओके का बटन है, यहाँ पे फोकस हो जा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर में, जिसको नहीं दिख रहा है वो माफ कीजिए। रुको, मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, इसको जूम करता हूँ। अभी दिख रहा है, मोड लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे ओके लिखा है। ठीक है, नॉर्मल वीडियो में फोकस होता है। ओके, तो फाइनली फोकस हो गया गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 5K 30 FPS में शूट कर रहे हैं फिलहाल, तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हो। इसका मैं प्रोटेक्शन वो हटा देता हूँ। ये देखो गाइस, ओके, तो आप देख सकते हो कि इसमें कैसा दिख रहा है। हम लोग बाद में देखेंगे प्रॉपर कैमरा का जो क्वालिटी है वो। ओके, इसको जब हम लोग ओके दबाएंगे तो इसका शूटिंग चालू होता है। ओके, ये 5K 30 FPS में शूट कर रहे हैं अभी, और फिर से ओके दबाएंगे तो जाता है। प्लस ये टच स्क्रीन भी है गाइस, तो इसमें टच स्क्रीन होता है, वॉइस का आप ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। ये ईवी है, मतलब एक्सपोजर, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर हमारे पास है ई आई एस का फुल फॉर्म अभी तक मुझे पता नहीं है, मैं ढूंढ लूँगा बाद में, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और लूप रिकॉर्ड है, इसमें टाइम लैप्स का इंटरवल है, टाइम लैप्स भी है 1 सेकेंड टू 30 सेकेंड्स का, 30 सेकेंड्स का टाइम लैप्स निकाल सकते हो। फिर फास्ट मोशन मूवी है, फास्ट शॉट मतलब एक्शन जो शॉट करते हैं हम लोग वो है। ठीक है, तो ये सब है, इसमें बहुत सारे फीचर्स है। और जब हम लोग इसका लोअर बटन जो है वो प्रेस करके रखेंगे तो इसका कैमरा स्विच होता है और फ्रंट कैमरा स्टार्ट होता है। दोस्तों एक मिनट, इसका भी स्क्रैच गार्ड निकाल देता हूँ। तो ये देखो फ्रंट कैमरा दिख रहा है अभी इसमें, इसके ऊपर स्क्रैच गार्ड लगा है, फिर भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी आ रही है। जब स्क्रैच गार्ड निकलूगा लेंस का तो बहुत ही अच्छा आएगा शायद से, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं इसको भी निकाल देता हूँ। अभी देखो क्या क्लियर कट वीडियो आ रही है, 5K रिजोल्यूशन है ब्रो। ओके, तो हाँ, तो यहाँ पे मैंने मेमोरी कार्ड मैंने कल ही फिट कर दिया था, जो इसे प्रेस करिए तो बाहर भी आएगा अभी। ओके, तो ये मैंने फिलहाल नॉर्मल मेमोरी कार्ड फिट किया है 32 GB का, और बाद में हम लोग इसके एक्चुअली इसको V3 फास्ट मेमोरी कार्ड लगता है, तो वो लगाएंगे ना तो प्रॉपरली वीडियो बनती है, ऐसा कुछ है मैंने देखा था। प्लस इसके साथ USB पोर्ट है, यहीं पे चार्जिंग भी कर सकते हो, और ये HD आउट करके है वायर, तो इसमें लगाओगे तो ये आई थिंक PC को कनेक्ट करने के लिए है। अभी तक मैंने इतना पढ़ा नहीं है, देखते हैं मैनुअल में क्या है। उसके बाद ये उसका केसिंग है, और एक खास बात है दोस्तों, इसके साथ ना केसिंग भी एक्स्ट्रा मिली है, तो ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है हमारे लिए। और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ, वो हम खोल खोल के देखेंगे एक एक बार। ये बैंड्स है, फिर माउंट्स है, ये स्ट्रेट माउंट्स है, इसमें मतलब एक लंबा है एक छोटा वाला है, खोल के दिखा दो। वीडियो बहुत लंबा होने वाला है गाइस, क्योंकि डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ मैं। अरे खुल जा रही, खुल गया,
तो देखो ये वाला है माउंट, स्ट्रेट माउंट है ये, ओके। ये एक लंबा स्ट्रेट माउंट है, ओके। फिर इसके साथ वो हमको बैटरी मिली है एक्स्ट्रा, वाह ग्रेट। तो 120+120 मतलब 4 घंटे का वीडियो हम लोग बना सकते हैं आराम से, क्या बात है। बैटरी दोनों फुल चार्ज करेंगे, 4 घंटे की वीडियो बनने वाली है, बहुत ही अच्छे। अभी इसके साथ ये, हाँ ये जो है ये हेलमेट पे लगाने वाला है माउंट। तो ये जो माउंट है ये हेलमेट पे लगाते हैं, हेलमेट पे लगा सकते हैं, ओके। तो इसको अटैच करके इसको जो है वो स्टिकर लगाते हैं, और स्टिकर लगाने के बाद इसको चिपका देते हैं, और इसके ऊपर फिर अपना जो कैमरा का माउंट है वो आता है, ठीक है। ये भी हेलमेट के माउंट है, ये वाले कुछ बड़े हैं, ओके, वो छोटे वाले हैं, ये बड़े वाले हैं। तो दो प्रकार के माउंट हैं हमारे पास दिए गए हैं, एक विद स्टिकर दिए, एक विदाउट स्टिकर, ये वाले स्टिकर के साथ दिए, ओके। तो ये इस साइज के हैं, और ये छोटे बड़े भाई छोटे भाई दोनों दिए स्टिकर्स दिए हैं, 4 स्टिकर है, 2 स्टिकर व्हाइट वाले, 2 एक येलो वाला, 1 रेड वाला, ओके। फिर ये कर्व्ड माउंट है, कर्व्ड माउंट खुल जा, ओके। तो ये कर्व्ड माउंट है दोस्तों, ओके। इसको बक्कल की तरह शेप है, ये हम लोग इसमें लगाएंगे, ये इसके अंदर लगाएंगे हम लोग, इसका घुसेगा वो अटैच हो जाएगा, फिर निकलता भी ईजी, ओके। तो ये है, और ये वाला इम्पोर्टेंट माउंट है एक्चुअली, इसको खोल रहा हूँ मैं। ये छोटा सा माउंट है, ये मुझे अभी तक पता नहीं चला कि कहाँ पे लगाने का, मुझे लगता है स्टैंड वैंड पे है लगाने का। और ये वाला बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट माउंट है, जो है हैंडल का माउंट, ओके। तो साइकिल के हैंडल पे लगा सकते हो हम लोग, बाइक के हैंडल पे लगा सकते हैं हम लोग, ये वाला माउंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओके। जो लोग राइडिंग करते हैं उन लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये माउंट। और फिर से हमारे पास है यहाँ पे स्क्रूज है, जो माउंट को अटैच करने के लिए यूज होंगे। तो 4 स्क्रूज दिए हैं, ओके। और ये और एक स्ट्रेट माउंट है, मतलब 3 स्ट्रेट माउंट हो गया हमारे पास। और अभी क्या है ये, ओ ये अंतर घे यहाँ, थैंक ब्रो, ओके। तो ओके ये है फ्रेम, ये प्लास्टिक का फ्रेम है। तो ये जब भी हम लोग मतलब बारिश ना हो तभी हम लोग यूज़ कर सकते हैं माउंटिंग करने के लिए, ठीक है। इसके ऊपर सब है प्रॉपर, और मैंने इसको बिठा के भी देखा था, ये प्रॉपर चलता है, मतलब प्रॉपर बैठता है, ओके। प्लस हम लोग के पास एक्स्ट्रा का ढक्कन है जो हमारा केस है उसका ढक्कन है, अगर वो ख़राब हो जाता है तो ये यूज़ करेंगे। देखो, ओके, तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और इसके ऊपर भी प्रोटेक्शन ये है, देखो प्रोटेक्ट। अरे भाई भागो मत यार, मेरे को फिर तुम लोग को अलग से ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे भी प्रोटेक्शन का एक प्लास्टिक लगाया हुआ, ओके। हमको टाई नॉट्स दिए हैं, टाई नॉट्स मिले हैं इसमें। फिर ये बुक है, ओके। फिर ये डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर में साफ शब्दों में लिखा है कि ऐप नेम आई स्मार्ट DV2, मतलब एक ऐप है जो हमको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, उसका यहाँ पे ये भी है, कोड भी है, तो शॉर्टकट मिल जाएगा। फिर स्विच टू द फ्रंट स्क्रीन बाय लॉन्ग प्रेसिंग द साइड डाउन बटन। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स विल बी प्रोसेसर i3 5th generation और अबाव, रैम इज 8 GB और अबाव, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 और अबाव। मतलब अगर हम कोई भी पीसी में इसको वीडियो को एडिट करना चाहते या फिर डालना चाहते तो उसका सिस्टम रिक्वायरमेंट्स ऐसा होना चाहिए, प्रोसेसर i3 रहना चाहिए, रैम 8 GB या उससे ज़्यादा होना चाहिए, विंडोज 7 और अबव का विंडोज रहना चाहिए। एल्स यूजर्स में एक्सपीरियंस लैग वाइल प्लेबैक ऑफ वीडियोस। बाकी सब जो यूजर्स है उनको अगर उससे कम कंपेटेबल वाला लिया तो स्लो चलेगा वीडियो। एक्सटर्नल माइक सपोर्ट रिक्वायर्ड, माइक्रो USB 2-3.5 mm फीमेल जैक, मतलब एक USB 2-3.5 mm का एक फीमेल जैक आपको लगेगा। फीमेल जैक मतलब समझ गए ना आप लोग, हाँ। फॉर स्मूथ 5K मीडिया प्लेबैक यूज द सपोर्टेड एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर, मतलब VLC मीडिया प्लेयर और KM प्लेयर। VLC मीडिया प्लेयर में ये वीडियो स्मूथ चलेगी। सपोर्टेड SD कार्ड कंपेटिबिलिटी इज 8 to 256 GB अबव U3 कार्ड V30। तो U3 कार्ड V30 अगर लोगे आप तो ही ये अच्छे से चलेगा, नहीं तो फिर थोड़ा थोड़ा कट्टू कट्टू होएगा ऐसा
अरे हमको ये मिली है यूएसबी केबल, यूएसबी केबल जो है वो चार्जिंग के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग। ओके तो चलो इतना ही था, इतना ही मतलब अरे बहुत दिया। हाँ अभी इसमें कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी है जो मैं बताना चाहूँगा। ये अभी मैंने ओके तो आप अभी देख सकते हो कि वाइड एंगल कितना ले रहा है, तो यहाँ से ले कर वहाँ तक बहुत बड़ा डिस्टेंस है, वो पूरा वाइड एंगल ले रहा है। बहुत ही अच्छा है इसका वाइड एंगल, 170 डिग्रीज का वाइड एंगल है इसके अंदर, तो वो है। और मुझको भी देख सकते हो कि आप कैसा दिख रहा हूँ मैं, और क्लियरिटी देख सकते हो। ओके प्रॉपर है इसमें सब। ओके अब ये फोटोज़ देखते हैं। ये एक्चुअली ये वीडियो 5K रिजोल्यूशन में है, 5K 30fps पे चल रहा है अभी। अभी मैं 1080 60fps का निकलता हूँ। ओके तो 4K 30fps की वीडियो निकल रही है अभी, 4K 60fps की वीडियो नहीं निकल रही है क्योंकि मेरा कार्ड जो है वो नॉर्मल मेमोरी कार्ड है। ओके तो जो 4K 60fps की वीडियो है उसको बनाने के लिए हमको एक हाई स्पीड V3 मेमोरी कार्ड लेना पड़ेगा। ओके तो उसमें हमारी वीडियो प्रॉपर बनेगी 4K 60fps में। ओके इसमें बननी नहीं रही है, इसमें ये बोल रहा है कि कार्ड इज स्लो। ओके सो अभी ये है 4K 30fps की वीडियो। अभी मैं 2K 60fps पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, 2K भी नहीं है, 2.7K 60fps पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। और इसकी साउंड क्वालिटी अभी आप चेक कर सकते हो कैसी साउंड क्वालिटी आ रही है। इसको मैंने अभी माइक वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है एक्सटर्नल, इसका इंटरनल जो माइक है उसी के ऊपर सब चल रहा है। ओके इसमें 1080 120fps की वीडियो भी निकलती है। ओके सो ये अभी 1080 पे है और 120fps की स्पीड पे ये वीडियो बन रही है। ओके 1080 पे 120fps ब्रो, तो ये बहुत ही अच्छा एक है हमारे लिए। ओके तो एक्शन कैम इसी को बोलते हैं, एक्शन कैम में ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेम रेट पे काम कर रही है, सो दिस इज़ इट ब्रो। तो अभी मैं स्टेबिलिटी चेक करने के लिए मैंने स्टेबिलिटी इसका ऑन किया है और मैं अभी चल रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, कैसा आता है देखते हैं। ओके फ्रंट कैमरा से भी देखते हैं कैसा आता है। मैं चल रहा हूँ अभी और मैं एकदम बुरी तरीके से चल रहा हूँ, पैर पटक पटक के, तो वो ही चेक करने के मुझे कि वाइब्रेशन आ रहे कि क्या आ रहे। अभी मैं नॉर्मल चलता हूँ, नॉर्मल चलने के ऊपर भी, नॉर्मल चलने के बाद भी थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है हाथ का मेरे, तो वो है मतलब कैमरा हिल रहा है ऐसे। अभी देखते हैं कैसा आता है आउटपुट इसका।